सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से बताने वाला हूं, आपका वोटर कार्ड पहले से बना, उस वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं, जीमेल आईडी लिंक नहीं, आप किस तरह से बड़े आसानी तरीके से वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं, जीमेल आईडी लिंक करा सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें घंटे पर इसके लिए, ताकि यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना, उसमें आपको टाइप करना nbsp.in, लिखते आपको सर्च करना, आपके पास इस तरह का पेज आपके पास खुल कर शो हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले शो होगा। देखिए, आपको सबसे पहले आपको ये कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको आपका अगर आपका पहले से आईडी बना तो यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना, अगर आपका नहीं बना तो यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर ए न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। पहले से मैंने अकाउंट को क्रिएट किया, यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल के मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल कर आएगा। देखिए, आपको यहाँ पे कनेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे सेल फीमेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। सेल पो अगर पहले से आपका अकाउंट है तो वहाँ पे अपने इफिक्स नंबर ऐड करागा तो यहाँ से आप कनेक्शन अपना कर सकते हैं। अगर फीमेल में करेंगे तो यहाँ किसी अदर का यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे फीमेल पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए, जिसका भी कनेक्शन करना चाहते हैं उसका वोटर कार्ड का नंबर, इफिक नंबर डालेंगे तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे, उसका पूरी डिटेल्स वहाँ पे खुल कर वहाँ पे शो कर जाएंगे। अगर सेल पे करते हैं तो अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से आप कनेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। सेल पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको इस तरह का डिस्प्ले आपको यहाँ पे शो करेगा। सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है। देखिए, भाषा का चयन करें, आप यहाँ हिंदी चलाना चाहते हैं, इंग्लिश, मराठी में जिसमें चलाना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे चूज़ करके आपको देखिए ऊपर की सेल ले जाना। आपको यहाँ पे आपका राज्य सिलेक्ट रहेगा, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको विधानसभा यहाँ पे चूज़ करना, आपका विधानसभा क्या है वो आपको चूज़ करके आपको यहाँ के ऊपर की जानने के आवेदन का विवरण, देखिए आपको यहाँ पे इंग्लिश में ऊपर रहेगा, आपको यहाँ पे नीचे में हिंदी में आपको टाइप करना है। वो हिंदी में नाम टाइप करना, इंग्लिश रहेगा तो आपको नीचे में यहाँ पे आपको हिंदी में आपका नाम टाइप करना। चलिए, यह दोनों चीज़ यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर टाइप कर दिया। अब आपको नीचे की साइड देखिए, आपको यहाँ पर आपका इफिक नंबर ये शो करेगा। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपको इधर तक क्या चीज़ आप कनेक्शन करना चाहते हैं, नाम में, फ़ोटो में, पता में, जन्मतिथि में, अन्य जो चीज़ में कनेक्शन करना चाहिए उसको क्लिक, या फोटो में क्या चीज़ में कनेक्शन करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जीमेल आईडी अपडेट करना चाहता हूँ, मैं लिंक प्रूफ इसमें मैं टिक मार देता हूँ। इस पर क्लिक करना, देखिए ऊपर की साइड आपको यहाँ पे ले जाना है। नीचे में आपको देखिए शो करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जीमेल आईडी का ऑप्शन शो करेगा, मोबाइल नंबर का ये आपको यहाँ पे टाइप करना। ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर। नीचे के ऑप्शन में यहाँ पे स्थान, आपको यह आपके शहर का नाम लिख लेना, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आपको डेट तारीख ऑटोमेटिकली यहाँ रिटेक कर लेगा। यहाँ आपको ये कैप्चा आपको यहाँ पे नंबर्स दिखा दे रहा है, वो नंबर आपको यहाँ पे कैप्चा में डालना है। देखिए, मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ जितना यहाँ लिखा हुआ है। ये सब पूरा फिल करने के बाद ये आपको पूरा एक बार ये पेज को आपको पूरा से देख लेना। यहाँ आपको देखिए लिंक पे क्लिक करना, अब मेल का फीमेल की जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल यहाँ पे, ये सब कॉलम को आपको यहाँ पे नहीं भरना, ये सब आपको ऐसे ही रहने देना है यहाँ पे। अब जिसमें कनेक्शन का उसमें आपको टिक करना है, ये सब पूरा चीज़ आपको यहाँ पे रीड कर लेना है, ये सही की गलती है। ये पूरा चीज़ भरने के बाद देखिए आपको यहाँ पर अब सूरज सब कुछ करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए, या ये प्रोसेस यहाँ पे ये ले रहा है। देखिए, ये मेरा कंप्लीट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर आपको दे दिया जाएगा, ये आपको स्टेटस चेक करने के लिए वहाँ पे आप स्टेटस में आपको बताएगा आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर जीमेल आईडी अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये नंबर आपको वहाँ पर कॉपी करके आपको यहाँ पर रख लेना, या मोबाइल नंबर में सेव कर लेना, या कॉपी कर लेना, आपको लिख कर लेना। चलिए, यहाँ से मैं इसको सेव करके मैं स्टेटस यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। लिखा गया, थैंक्स योर फॉर सबमिट फॉर ऑन NBPS योर फॉर्म रेफरेंस आईडी नंबर, यहाँ पे योर कैन ट्रिक फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटस पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करें, जो आपको रेफरेंस नंबर वहाँ मिला था वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, एक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए, यहाँ पर सबमिट आईडी पर आपको यहाँ देखिए BLO का जाएगा। BLO के बाद देखिए आपको यहाँ पे
बीएलओ अप्रूव करेगा तो आपको देखिए फाइल वेरीफाई पे जाएगा, वो अप्रूव कर देगा। देखिए यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ए रिजेक्ट पे, अगर वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ पे एक्सेप्ट का हरा ग्रीन आ जाएगा, रिजेक्ट कर देगा तो वहाँ पे रेड आ जाएगा, क्योंकि अभी देखिए सबमिट हुआ है। इसके बाद बीएलओ अप्रूव करेगा, इसके बाद वेरीफाई करेगा, तब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में रिजेक्ट करेगा, अप्रूव करेगा, वहाँ पे आपको शो कर जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको देखिए यहाँ पे नेम शो कर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ ब्लॉक आपको जो जितना शो सब शो कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके नीचे आप पूछ सकते हैं।